हॅलो गायज, आज हांवें एक ल्हानशी कविता बरयल्या. आयज आमचे डॉन बॉस्कोचे ऑनलायन सर्वेल आशिल्ले, ताज्या खातीर ती हिंदीन आसा. आजची आज आज वक्त को रोकने को जी चाहता है, न जाने क्यों को छोड़ जाने से डर लगता है. बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब. कॉलेज के कुछ दिनों में ही हम सब एक हो गए, हंसने खेलने के बहाने अनेक हो गए. दोस्तों, 4 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी. सूरज की पहली किरण से थी शुरुआत हमारी, जेफरी सर की पहली क्लास से थी मस्ती हमारी. सोचते थे कि जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, अब तो ये भी नहीं पता आगे के समय आएंगे भी या ना पाएंगे. याद आएगा हम सबको यूटीपीसी से बिछड़ जाना, वो रात भर पबजी खेलना और सुबह की अटेंडेंस खोना, वो अनिरुद्ध सर का लेक्चर और उनके साथ हाइड एंड सीक खेलना, वो 9:40 की क्लास में एंट्री और सत्येश सर का कहना नेतन जरा बुके तो लाना, वो श्वेता मैम की ऐसे क्लासेस और उनका बैंडिंग मूवमेंट सिखाना, वो अश्विन सर की क्लास में अटेंडेंस लगाकर अपनी यारी निभाना, वो DCS FEM ने हमें बहुत सताया पर इन सारे सब्जेक्ट को कौशिक सर, श्रुति मैम और नादिया मैम ने हमें बड़े प्यार से पढ़ाया, वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट लेक्चर का हमें सताना, बंक करके प्रिंसिपल मैम को क्लास में बुलाना, वो अन्नपूर्णा मैम की डांट और प्राची मैम का प्यार अब हम कहाँ देख पाएंगे. जैसे तैसे करके निकाला था हमने ग्राफिक्स का पहला साल, बहुत खुश हुए थे यार, अब बचा नहीं है कोई साल. जिन बात का दुख था आज उन पर हंसी आती है, न जाने कि उन पलों की याद दोस्तों खूब सताती है. कहता था दोस्तों ये 4 साल बड़ी मुश्किल से सह गया, आज लगता है यारो कुछ पीछे रह गया. मुझे बाबू भैया अब कौन बोला करेगा, अलग अलग नामों से तारी को अब कौन पुकारेगा. वो गौतम के इंग्लिश में बात करने का किस्सा, वो सर्वेश के क्लास में लेट आने का किस्सा, वो दीप्तेश के टिफिन में एक बुर्जी लाना, वो साइश का मजनू बनकर थर्ड ईयर के लड़कियों को देखकर मेरी बंदी है कहना, वो साई का पारा पारा और ओ मारिया सुनना. अब ये सारी चीजें हम कहाँ कर पाएंगे, वो एक ही बाइक पर अब 3 कहाँ बन पाएंगे. ये समय लगता है कुछ जल्दी बीत गया, आज एक बार फिर मुझसे जीत गया. कहाँ मिलेगा इस बंधन में रहना, वो ग्रे यूनिफॉर्म पहन के वाइवा को आना. कॉलेज लाइफ की वो बात ना पूछो, कैसे बीत गया वो प्रोसियम का दिन ना पूछो. वो 75% अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए लास्ट बेंच पर अब लूडो और पबजी कहाँ खेल पाएंगे. यश का स्टाइल मानने का वो अंदाज निराला था, लड़कियां पटाने का यश बस तुझे यही मौका था. क्या पैसा क्या नौकरी, ये तो सब यादें रह जाएंगे, अकेले जब भी होगे ये यादें या काम याद आएंगे. क्लास और कैंटीन की कहानी होगी खत्म, अब अलग होगी मंजिलें और अलग होगी हम. बस एक बात का डर लगता है दोस्तों, हम अजनबी ना बन जाए, जिंदगी के रंगों में ये दोस्ती का रंग फीका ना पड़ जाए, नौकरी की दौड़ में ये दोस्ती ना लुप्त हो जाए. आखिर आ ही गया वो दिन जिसका हमें इंतजार था, अब बिछड़ जाएगी यादें सारी जिनसे हमें बहुत प्यार था. यारो, साथ के हसीन पल अब दास्तानों में बदल रहे हैं, आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा है. थैंक यू.